हेलो नमस्कार, सीला फैशन बुटीक में आपका स्वागत है। आज हम एक न्यू ट्रेंडी क्रॉप टॉप बनाएंगे, ए लाइन क्रॉप टॉप। ठीक है, हम इसको शुरू करते हैं। देखिए, इसकी लेंथ है 20 इंच, ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा है तो ये थोड़ा हम इसको सीधा करेंगे तो निकल जाएगा। ठीक है, 20 की इसकी लेंथ है और चौड़ाई है इसकी 10.5 इंच, जबकि हमको हमें 9 चाहिए होगी क्योंकि हमारी छाती है 9, तो इसको एक्स्ट्रा लेंगे हम स्टिचिंग के लिए। और ये 4 फोल्ड है, 1 2 3 4। ओके, अब शुरू करते हैं तीरे से। तीरा लेंगे हम, ये हमारा स्लीवलेस है 7.5 इंच, मुड्ढे भी हम 7.5 इंच लेंगे इस तरह से, और यहाँ पे भी 7.5 का निशान लगाएंगे। फिर कमर है हमारी 14 इंच पे, कमर है हमारी 14 इंच पे, यहाँ पे भी निशान लगा देंगे, इसको मिला देंगे। ये लाइन है हमारी जो, अब देखिए यहाँ पे तीरा लिया था, इसी तरह से यहाँ पे भी हम तीरा लेंगे। तीरा छाती 9 इंच की है, ये हो गया हमारा। कमर है हमारी 7 इंच की और इस पे हम 1 इंच एक्स्ट्रा लेंगे 8 इंच, और हिप्स हमारे 9.25 इंच है, तो ये हमारा एक्स्ट्रा स्टिचिंग के लिए कपड़ा बच गया है। ठीक है, अब इस तरह से इसको मिलाएंगे। और ये इस तरह से स्टिचिंग का कपड़ा हमारा निकल जाएगा। और ये ज्यादा इस तरह से करने की बजाय जिस तरह कट बन जाता कोना सा, तो गोलाई कर देंगे यू। ठीक है, थोड़ी सी गोलाई में कटिंग करेंगे इसकी यू। ठीक है, अब ऊपर से ढलान करेंगे हम। देखिए, ये करेंगे 1.5 इंच का, तो हमारा मुड्ढा देखिए 6 का बचेगा। ठीक है, क्योंकि स्लीवलेस तो ज्यादा नहीं होना चाहिए। और इसको लेंगे हाफ, तो ये 7.5 था, तो 4.25 इंच हो गया है यहाँ पे। इसको मिलाएंगे इस तरह से। ठीक है, और ये गोलाई करेंगे हम इसके अकॉर्डिंग, 1.5 इंच और 1.5 इंच लेंगे यहाँ पे इस तरह से। ठीक है, अब इसको करेंगे गोलाई। अब इसको यहां से सेंटर करेंगे, ये फ्रंट के लिए बता रही हूँ मैं आपको। इसका सेंटर बनता है 3 इंच, और 1 इंच से 1 पॉइंट हम यहाँ पे कम लेते हैं इस तरह से, और यू मिला देंगे। ये फ्रंट के लिए किया है, और अब हमारा नेक आगे वाला करेंगे हम 4.5 इंच, और पीछे वाला करेंगे हम 2.5 इंच, क्योंकि बोट नेक टाइप में है, ये हमारा यहाँ पे 4 इंच पे आएगा। यहाँ पे भी हम 4 इंच कर ले इस तरह से, और इसको भी मिला देंगे। ये हमारा बैक का है, तो पहले हम बैक की कटिंग करेंगे। अब कटिंग शुरू करेंगे, तो ये बैक वाला है, इसको निकाल देंगे ना, एक्स्ट्रा है हमारे। तो ये कपड़ा मैंने यहाँ से काटा नहीं था, बाद में कटिंग करेंगे। अब नीचे से हम 2 इंच की गोलाई करेंगे इस तरह से, और इसका करेंगे हाफ। ये कितना है हमारा 10, तो 4.5 पे ये मिलाएंगे यू। यहां से ठीक है, जो हमारा 1.5 इंच एक्स्ट्रा था जो मैंने बोला था शुरू में, वो ऐसे निकल जाएगा। ये हो गया है अब कटिंग। अब इसको निकाल देंगे हमारे बैक को अंदर से,
अब हमारा फ्रंट है, इसकी कटिंग करेंगे नेक की। इस लाइन से ये फ्रंट हो गया, ठीक। अब हम इसकी सिलाई करेंगे। तो मैं भूल गई थी कि हम बाद में भी कर लेते हैं, लेकिन मैं बता ही देती हूँ। अब हमारी फ्रंट कटिंग हो चुकी है, अब हम सिलाई करेंगे। अब हम इसकी सिलाई शुरू करते हैं। देखिए ये हमारा फ्रंट है और ये हमारा बैक, इसको पहले खोल देंगे इस तरह से। तो एक साइड से इसको ज्वाइन कर लेंगे, इसी साइड से इसको ज्वाइन कर लेंगे। यहाँ पे हमारे पूरे रेप की पट्टी होती है जो हमारी, वो लगाएंगे। यहाँ से स्टार्टिंग करेंगे इसकी, इस तरह से सीधी साइड से लगाएंगे और उल्टी साइड को लेके आएंगे इसको। ये है हमारी रेप पट्टी, देखिए इसमें अच्छी स्ट्रेच होती है, ठीक है। अब इसकी मैं आपको चौड़ाई बता देती हूँ, देखिए पौने 2 इंच की होती है। अब इसको इस तरह से फोल्ड करेंगे, यू इससे फिनिशिंग अच्छी आती है। आप देखिए यहाँ से शुरू करेंगे और यू हमने एक तरह एक जॉइंट कर दिया एक साइड से, इसको यहाँ तक लेके आएंगे, यहाँ तक वापस घुमा के इस तरह से। देखिए मैं अभी आपको दिखाती हूँ, ये हमारा ये लाइन टॉप टॉप है और ये फुल साइज है, ठीक है। इसी तरह से इसको लगा लेंगे पूरे में, ठीक है। ये हमने लगा लिया इस टिप को और इसमें हम ऐसे कट लगा देंगे पूरे में। इसी तरह से मैंने कट लगा दिए हैं इसमें, ठीक है। अब इसको फोल्ड कर देंगे अंदर की साइड में इस तरह से। राउंड में ऐसे सिलाई लगा देंगे, ठीक है। ये सिलाई लगा दी, देखिए पूरे में ऐसे सिलाई लगा दी मैंने। और अब ये ऊपर से जोड़ देंगे, तीरे को फोल्ड करके अच्छे से। ऐसे ज्वाइन होने के बाद ऐसे मिला के दोनों को और देख ले कमी या ज्यादा है तो कटिंग हो जाती है। कई बार ये घटिया बढ़ जाता है हमारा टिक्का, ठीक है। ऐसे इसको रखें और मिला के चार होता है ऐसे इस तरह से, ऐसे देख ले तो बढ़ता बढ़ता है। तो इसकी हम यहाँ पे कटिंग कर देते हैं इसको अच्छे से मिला के, ठीक है। जो हमारे करना होता है यहाँ से ना, नीचे वाला थोड़ा बाहर है ना, तो इस तरह कर देंगे इसको। अब हमने यहाँ पे भी इसी तरह से जो पट्टी लगानी थी रेब की पट्टी वो लगाएंगे। ये रही हमारी पट्टियां दोनों, यहां से शुरू करेंगे सीधी साइड से। जो हमने नेक में लगाया था ना इस उसी तरह से ये उरे पट्टी हम दोनों साइड मुड्डे में भी लगा देंगे, ओके। ये लगा ली हमने दोनों साइड की सीधी पट्टी, अब इस पे फिटिंग लगा देंगे। बिल्कुल इजी है, बड़ा जल्दी तैयार होता है हमारा।
नीचे से फोल्ड कर देंगे इसको। दूसरी साइड भी मैंने ऐसे ही सिलाई लगा ली है, ठीक है। अब इसको हम फोल्ड करेंगे नीचे से, देखिए यहाँ से शुरू करेंगे हम, बिल्कुल एक पैर का फोल्ड करना है इस तरह से। नीचे वाले कपड़े को देखो हल्का सा खींचेंगे तो ये अपने आप ही फोल्ड हो जाता है, ठीक है। यू नीचे वाले को जरूर खींचें तभी ये फोल्ड होगा। देखिए अगर हम ऐसे करेंगे तो यहाँ पे कोना बनता है, और इसको धीरे से ऐसे खींच खींच के यू रखते रहें, इक्वल इक्वल करते रहें, बहुत अच्छी शेप आती है यहाँ पे अपनी, ठीक है। ऐसे ऐसे इसी तरह से पूरे को फोल्ड कर देंगे आगे और पीछे से, देखिए होगी ना गोलाई अच्छी। इसी तरह से फोल्ड करना है पूरा। ये हो गया हमारा क्रॉप टॉप सिल के तैयार। उम्मीद है आप सबको पसंद आया होगा। थैंक यू।